ये सुनसी में आप सब को मेतर से मैं नहाय शार हूँ खुदा के फजल और रहम के लिए जो उसने हम पर किया है मैं खुदा उनके जो नहायत दुआ गूँ पी एम आई टेलीविज़न के लिए तमाम टीम के लिए कि खुदा इसी तरह इस टेलीविज़न को इस अदारे को कैदियों की रिहाई जगड़ों की आज़ादी और बीमारों की शफा और मसीह के बदन की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता रहे मेरेजीज़ों मैं खुदा का कर शुक्र करता हूँ कि हम कलाम मुक़दस जो है वही एक वाद रास्ता है जो हमारे तमाम मसाइल का हल है और जो मुझे और आपको बरकत और तंदुरुस्ती और सलामती देता है जब हम कलाम पर अमल करने वाले बनते हैं तो खुदा फिर हमारे हाथों के काम पर बरकत देता है आज हम थोड़ी तो देर के लिए गौर करेंगे जब बाप नाकाम होता है कई दफ़ा हम बच्चों पर नाकामी का सारा जो है ज़िम्मेदारी उन पर डाल देते हैं कई दफ़ा बाप जो है माँ पर अपनी बीवी पर बच्चों की नाकामी की जिम्मेदारी डालता है ख़ानदान जो नाकाम हो रहा होता है उसके लिए कई दफ़ा पादरी साहबान को उस को जो है मुलम ठहरा रहे होते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बाप घर का रहनुमा और घर का सरबरा है तो कई दफ़ा जो सरबराही है जब वो नहीं हो पाती तो ख़ानदान में नाकामी आ जाती है औलाद नाकाम होना शुरू हो जाती है रिलेशन्स नाकाम हो जाते हैं तो इसलिए जब न बाप नाकाम होता है तो क्या होता है फ़र्ज़ करें अगर बाप नाकाम हो जाए तो ख़ानदान का क्या हाल होगा बहुत से घराने जो हैं जो ख़ानदान हैं उनमें हालात चेंज होना शुरू हो जाते हैं जब बाप नाकाम होता है और जब कौम का बाप नाकाम हो जाए तो कौम का क्या होगा इसलिए ये बहुत ख़ास सवाल है मुझसे और आपसे, ख़ास तौर बाप से अगर बाप मेरी आवाज़ सुन रहा है तो चंद लम्हों के लिए आप अपने आप को फ्री करके ज़रूर इन बातों पर गौर करें जो आज कलाम अमकदस में से हम देखने को हैं चूँकि खुदा जानता था कि अब्राहम अपने बाप की ज़िम्मेदारी और हकूक़ अदा करेगा इसलिए खुदा ने वादा किया कि वो एक ज़ोर आवर कौम बन जाएगा खुदा ने अब्राहम से कहा था कि तू कौमों का बाप होगा इसलिए इस बात को समझें क्योंकि खुदा को पता था कि अब्राहम को जो मैं नेमत दे रहा हूँ औलाद की ये खुदा की तरफ से नेमत है और ये इस नेमत को इस उलाद की ज़िम्मेदारी जो है उसको पूरा करेगा लेकिन इस कौम का क्या जिसका बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे आज अगर कलेक्टिव हम बात करें माशरती तौर पर तो माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ जो है वो बाप की वजह से है बाप अपने ज़िम्मेदारी से पीछे हट गया हालांकि जो घर का सरबराह खुदा ने जिसे ठहराया वो बाप है और इवन अगर आप पैदाइश को देखें जब ख़ुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने आदम के बाद उसकी पसली में से जो हवा को बनाया और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने उसे मददगार के तौर पर हवा दी ना कि मेन काम के लिए आज मेन काम जो सरबराही का जो जिम्मेदारी बाप को दी गई है सरबराही के लिए या तरबियत के लिए या अपनी औलाद की ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए बाप उस ज़िम्मेदारी को छोड़कर और सिर्फ महदूद हो गया रोटी कपड़े मकान तक जिसकी वजह से बच्चे जो है बिगड़ते जा रहे हैं औलाद जो है वो हाथों से निकलती जा रही है और उसकी सारी जो जो मुश, जो उसका सारा नतीजा है वो पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ता है इसलिए बाप को मैं चाहूंगा कि वो बहुत महतात हो और इस बात को समझे अट्ठाईस बाप में मूसा दो चीज़ों की फहरिस्त देता है वो उन बरकत की फहरिस्त भी देता है अगर हम खुदा के लोग जो हैं खुदा की बात मानेंगे उनको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो वो बरकत जो हैं खुदा की जो है वो उन लोगों पर आएंगी जो खुदा की बात मानेंगे और फिर उसी में एक सेकंड फहरिस्त भी है जो फहरिस्त हमें लातों के बारे में बताती है कि जो लोग खुदा की बात नहीं मानेंगे तो फ़लाँ फ़लाँ फ़लां लानते जो हैं वो उन पर आएँगी एक फहरिस्त है पहली आय से लेकर चौदहवीं आय तक आपको बरक़ात की फहरिस्त मिलती है फिर पंद्रहवीं आय से लेकर अठसठवीं आय तक आपको लानतों की नाफरमानी की सज़ा की जो है फहरिस्त मिलती है बहुत सी काबिल जिक्र लातों में से आज मैं आपकी तो जो आ, लानत है उस पर दिलाऊंगा आए पढ़े क़लाम कदस में इसना अट्ठाईस बाप उसकी इकतालीसवीं आयत मूसा बयान करता है तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगी पर वो सब तेरे ना रहेंगे क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे गौर करें यहाँ पर यह कोई आम बात नहीं है ये बड़ी ख़ास बात है बुनियादी तौर पर मूसा यहाँ पर रुल उसकी तहरीक से बाप से और माँ से एक ख़ानदान से बात कर रहा है और बाप से मुखातिब है तेरे बेटे और बेटियाँ पैदा होंगी उलाद ख़ुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है खुदा ये बरकत देता है सबको लेकिन कई लोग उलाद पाने के बाद इस बरकत को जो है वो ज़ाया होने के लिए दुनिया के रहमो क्रम पर छोड़ देते हैं बजाय इसके कि वो उनकी तरबियत करें उनको नरिश करें उनका तारुफ खुदा के साथ करवाएं और उन्हें आसमानी बाप की तस्वीर दिखाएं मुझे और आपने जो इस दुनिया में बाप हैं ख़ास तौर पर हमें ख़ुदा ने उलाद की नम्मत दी है ताकि हम अपने आसमानी बाप की मोहब्बत को अपने बच्चों पर जाहिर करें अपने आसमानी बाप की तस्वीर को अपने बच्चों के सामने पेश करें लेकिन होता क्या है हम उस तस्वीर को दिखाने की बजाय हम अपने असमानी बाप को पीछे रख देते हैं और हम एक ऐसा बाप बन सामने आते हैं जो दुनियादारी वाला बाप है लिखा इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ हम वो बाप बन जाते हैं जो इस जहाँ के हम शक्ल हैं और जिसकी वजह से पूरे घराने पर बुरा असर पड़ता है लिखा है कि पर वो सब तेरे ना रहेंगे इस हिस्से को पढ़कर मुझे बड़ा जोर का झटका लगा औलाद हमारी हो और हमारी ना रहे आज अगर अपने दिल पर हाथ रखकर आप अपने आप से सच बोलें थोड़ी देर के लिए तो आपके इर्द गिर्द आपके घर में आपको ये चीज़ वाजिया नज़र आएगी औलाद आपकी है लेकिन वो आपकी नहीं है वो नशे की बन के रह गई है आपकी औलाद जो है वो किसी और की होके रह गई है वो नशे के हाथों बिक गए हैं वो जिनसी ख्वाहिशों के हाथों फंस गए हैं आपकी औलाद आपकी बात मानने की बजाय अपनी सहेलियों अपने दोस्तों की बात मानना ज़्यादा पसंद करते हैं वो टेलीविज़न मोबाइल और आज का जो कल्चर है उसके हाथों में असीर होकर चले गए हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में आया है बट दाओ शल नोट इंजॉय दैम हमारे बच्चे हमारे नान ये बरकत नहीं है लानत है और फिर हम जनाब इल्ज़ाम किसी और पे लगा रहे होते हैं फलाने मेरा पुत्र मेरे तो खोल फ़लाने मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया ऐसा नहीं है वो बाप था जिसने अपनी औलाद को असीर होने के लिए जाने दिया क्योंकि उसने अपने आसमानी बाप की बात को ना माना उसने अपने आसमानी बाप की बात को मानने की बजाय दुनिया की तरफ जो है वो रुजू ज़्यादा किया कई बार मैं खुद से सवाल करता हूँ कितने वालदन जो अपनी औलाद से खुश नहीं है उनके बच्चे उनके नहीं रहे हैं खुदा ने औलाद अजीम बरकत के तौर पर दी है जब वालदे खुदा के साथ नहीं चलते खुदा की नाफरमानी करते हैं ख़ास कर बाप तो ये बरकत जो है वो मानत में बदल जाती है फिर वही बच्चे हमारे लिए दर्द सर बने होते हैं मुख्तलफ जगहों से शिक्व शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं हम उनकी मन्नतें करते हैं और वो नहीं मानते हैं हम उन्हें जनाब चाहते हैं कि वो बहुत आगे निकलें लेकिन वो नहीं निकल पा रहे होते हैं और उसके पीछे वजह बाप है वो अपनी बाप की जिम्मेदारी को उस तरह पूरा नहीं कर रहा जिस तरह खुदा ने उसे वो जिम्मेदारी दी है उनकी औलाद असीरी ग़ुलामी में चली जाती है पिछले बीस सालों में हमने बहुत से बच्चों को मुख्तलिफ तरह की अबलीसी ग़ुलामी में जाते देखा है आज का बच्चा जो है वो अबलीस की ग़ुलामी में बहुत जल्द फंस रहा है आप नौजवानों पर गौर करें उनका पहनावा उनका खाना पीना उनकी जो बातचीत है उनका जो मैार है वो सब चेंज हो के रह गया है और उसकी वजह से माशरे में मसीह माशरे को एक एक कमतर मुआर समझा जा रहा है नशा करने वाले नौजवान लड़कियां लड़के बेरारवी का शिकार अच्छी तलीम ना हासिल करने वाले बच्चे और फिर सोसाइटी में हमारे लिए लो क्लास काम रह जाते हैं उसकी वजह क्या है हम गुरबत के हाथों सीर हो गए हमारे बच्चे हमारे हालात हम सोचते हैं कि बदलेंगे चीज़ें चेंज होंगी लेकिन वो होती नहीं है और उसके पीछे एक बाप बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है क्योंकि उसने अपनी ज़िम्मेदारी माँ के हाथों में छोड़ दी अब माँ क्या करे वो सुबह उठे नाश्ते भी तैयार करे बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजे फिर बाप के साथ मिलकर रोज़गार भी कमाए फिर वापस आए फिर खाना बनाए वो सारे काम करे और तरबियत भी वही करे बाप की मेन ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे कि खुदा उसे क्या चाहता है नशा के नजायज़ तलुकत के असीर हो गए हैं जादूगरी के असीर हो गए हैं ये गुलामी है ये असीरी है जैसे दुश्मन मुल्क की फ़ौज कब्जा करके गुलाम करती है इसी तरह आज दुश्मन जो अबलीस है क्यों चोर आ रहा है लिखा चोर आता है मारने हलाक करने और तबाह करने मारने के लिए आता है हला करने के लिए चोरी करने आता है तो वो हमारे बच्चों की ज़िंदगी में क्यों आया है लेकिन हम जनाब सोए हुए हैं हम इस बात को समझ नहीं पा रहे लाखों बच्चे गुलामी में जा रहे हैं और जवाब कलाम मुकदस में मिलता है इसका हल चूंकि बाप अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गया है इसलिए बच्चे असीरी में जा रहे हैं बाप की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी घर का काहिन बनकर काम करना है मलाकी दो बाप उसकी साथ में लिखा है खुदा काहिन की जिम्मेदारी को यहाँ पर बयान कर रहा है क्योंकि लाजम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शर्यी मसाइल पूछें क्योंकि वो फाज का रसूल है वो काहिन है अब काहिन की जिम्मेदारी क्या है क्योंकि काहिन खुदा के अहकाम को जानता है इसलिए वो खुदा के अहकाम को लोगों को समझाता है काहन खुदा का पैगाम देने वाला है बेतल्फाज में वो खुदा का नुमाइंदा है एक बाप अपने घराने में सरबराह होते हुए अपने घर में वो खुदा का नुमाइंदा है उसने अपने घर में खुदा की जो बातें हैं सीखकर दूसरों को अपने घर को बतानी है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो घर का नुमाइंदा है जो खुदा का नुमाइंदा घर में बाप है जो सरबरा है वही खुदा के पास नहीं जा रहा हमारे मुआशरे में ख़वान जा रही हैं बेटियाँ जा रही हैं बच्चा जब बेटा जब छोटी उम्र का होता है वो जा रहा होता है माँ के साथ लेकिन जैसे ही वो थोड़ा कद निकालता है वो चर्च जाना खुदा से सुनना छोड़ देता है क्योंकि उसका बाप भी खुदा की नहीं सुन रहा इसलिए वो भी खुदा से नहीं सुन रहा और जिसकी वजह से क्योंकि खुदा की बातें बाप जानता नहीं है इसलिए वो बाप बच्चों को बता नहीं वो छड़ी का इस्तेमाल कर रहा है वो मार कुटाई का इस्तेमाल कर रहा है वो सख्त जुमले कह रहा है वो लानते बोल रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता बाइबल में लिखा है कि औलाद वालों अपने बच्चों को दिक ना करो उसको ये नहीं पता कि उन्होंने कलाम के वसीला से कलाम के वसीला से उनको नसीहत करनी है उनकी तरबियत करनी है अब कलाम जानेंगे तो नसीहत करेंगे कलाम जानते नहीं इसलिए वो नसीहत नहीं कर पाते हैं उसके लब मार्फत को महफूज रखें उसका घराना और बच्चे उसके मुंह से खुदा का बयान सुने वो खुदा का नुमाइंदा होकर अपने घराने को चलाए अगर काहिन अपनी ज़िम्मेदारी में नाकाम हो जाएगा तो क्या होगा होजिया चार बाप उसकी छठी आत्मा लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए हलाकत जो है वो जब मार्फत की कमी होगी तो फिर आएगी तो काहिन ने क्या करना है उसके लबों ने मारफत को बोलना है मारफत बयान करनी है खुदा से जो हिकमत की बातें वो लेनी है और अपने घर में बयान करिए चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर कहा ना हो और चूंकि तू अपने खुदा की शरीय को भूल गया इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा खुदा मुझसे और आपसे मुखातिब है अगर मैं और आप बड़े पैमाने पर मसी माशरे को एक ऐसा इम्पैक्टफुल माशरा बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में और दुनिया में तो बाप को अपनी जिम्मेदारी को आज दोबारा से लेना पड़ेगा बाप को अपने आसमानी बाप के पास वापस आना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा कि आए बाप मैंने तेरी नज़र में और इंसान की नज़र में गुनाह किया मुझे माफ़ कर दे मैं अपनी जिम्मेदारी को वापस लेता हूँ और बाप अपने बाप से लेना शुरू करें उसका आसमानी बाप आज भी अपनी बाहें फैलाए हुए खड़ा है और वो कह रहा है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं और मैं उन्हें मार्फत दूं मैं उन्हें हिमत दूं लिखा है कि अगर किसी में हमत की कमी मुझसे मांगे आमीन खुदा मेरे जिलो कुदरत वाला है। खुदा है और ये पैगाम वो बाप के लिए दे रहा है खुदा चाहता है कि बाप ख़ानदान का काहिन हो बाप खुदा की मार्फत को रद्द करेगा तो खुदा काहिन को रद्द करता है मैं तेरी कहानत को तुझसे छीन लूँगा तेरी औलाद को भी भूल जाऊँगा देखें तेरे बच्चे तेरे नहीं रहेंगे तेरी औलाद तेरी नहीं रहेगी ये खौफ जदा करने वाली बात है कम अज कम मैं नहीं चाहता एक बाप होते हुए कि मेरी औलाद मेरी ना रहे मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद को खुदा भूल जाए आज बाप को दोबारा से अपने आप को खुदा के पास लाने की जरूरत है खुदा कहेगा वालदे होते हुए तुम अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गए हो और मैं तुम्हारी औलाद को भूल जाऊंगा आखिर में मलाकी चार बाप और उसकी पांचवी और छठी आयत में पढ़ूंगा देखा देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा और वह बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा मुबादा में आऊँ और ज़मीन को मलाउन करूँ इन अयाम में हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं या तो हम खानदानी रिश्तों को बहाल करें बाप की तरफ वापस आकर या हम खानदानी रिश्तों को वैसा ही रहने दें मंजिल का तो इन आपने करना है खुदा मंद य सब के लिए स्नीपर मरा है उसने हमारी लानतों को अपने ऊपर ले लिया है और जब आज आप खुद मेंसु मसीह के पास वापस आते हैं तो आप खुदाद्यसु मसीह की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में देख पाते हैं बहुत से बाप आज रोटी कपड़े मकान के चक्कर में आसमानी बाप को भूले हुए हैं वो बाप के पास आ नहीं रहे बाप कहता तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा मार्फत और हमत की बातें खुदा से हमें मिलनी है किसी और जगह से नहीं मिलनी है हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैं बाप से मुखातिब हूँ आए पाकिस्तान में भरपूर अपना किरदार अदा करें आए अपने मुआशरे में अपना भरपूर अदा कर, करदार अदा करें आए आसमानी बाप की तरफ वापस आए आए उससे कहें कि बाप मैं उस बड़े काम को जो तूने मेरे लिए अपने बेटे यसू के वसीला से किया उसे कबूल करता हूँ खुदामय यसु ने हमारी लांतों को अपने ऊपर लिया हुआ है आज जब आप बाप के पास वापस आ जाएंगे ये फैसला करेंगे कि मैं थक गया हूँ मैं हार चुका हूँ मैं अपने तय नहीं कर पा रहा हूँ और आप जब कहेंगे बाप मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूँ वो बेटा को होश आया आए इस वक़्त होश कर लें ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथों में से चला जाए और हमारे बच्चे और असीरी में फंस जाएं हमारी ओलाद हमारा मुआरह और सीरी में फंस जाए हम दूसरों को ना देते रहें फलाँ की वजह से मुआरा ख़राब हो रहा है सियासतदानों की वजह से मुशरा ख़राब हो रहा है पादरी साहबान की वजह से मुआरह ख़राब हो रहा है आए अपने आप को आईने में देखें कहीं मैं तो नहीं वो जिसकी वजह से मुशरा ख़राब हो रहा है एक घराना एक घर का बच्चा जो है वो एक घरानी पर असर डालता है और दस घर के बच्चे जो हैं वो उस इलाके के लोगों पर असर डालना शुरू कर देते हैं अगर उसी पूरे मोहल्ले के बच्चे बिगड़े हुए हों और नाकाम हों और असिन हों अबलीस के हाथों तो पूरा मोहल्ला जो है वो अबलीसी लानत के नीचे रहेगा लेकिन अगर पूरे मोहल्ले के बाप जो हैं वो अपने आप को बाप की तरफ पेश करना शुरू कर दें आसमानी बाप की तरफ़ आ जाए खुदांद यसू को अपनी ज़िंदगी दे दें और यसु मसीह के हजूर आना शुरू करें उससे लें और अपने घर में देना शुरू करें खुदांद यस्ू वो लानतों को तोड़ने वाला है वो बेऐब बर्रा है जिसने मेरी और आपकी खातर जान दी हुई है जो हमारे घरानों का भी खुदा मंद है और वो चाहता है कि जब बाप उसके पास आए तो ना सिर्फ वो इसलिए बाय में लिखा तू ईमान ला तो तेरा घराना भी न पाएगा जब बाप खुदा मद यस्सू के पास आ जाएगा पूरा घराना नजात पा जाएगा वो औलाद जो असीर हो के चली गई है नशे की असीर हो गई है गलत तल्लुक़ात की असीर हो गई है आप बहुत उन्हें कह रहे हैं नहीं मान रहे हैं वो वापस आ जाएंगे खुदा उन्हें वापस लाने में कादर मुतलक है और आप देखेंगे आपका घराना और आपके इर्द गिर्द के घराने आपके पूरे मोहल्ले आपके शहर आपके सूबे आपके मुल्क पर असर डालेंगे और एक दिन आएगा गैर कौमों में चर्चा होगा कि इनका खुदा आज शायद चर्चा गलत हो रहा है लेकिन जब बाप बाप खुदा के पास वापस आएगा आसमानी बाप के पास तो बाप अपने बेटे यसू के लहू की कुदरत से उसके बहाए के लहू की कुदरत से सारी नरास्तियों से पाक करते हुए कर्स को तोड़ देगा ब्रेक करेगा और खुदा की कुदरत घरानों में ज़ाहिर होगी मेरी दुआ है आज आपके लिए पी एम आई टेलीविजन के वसीला से कि खुदा ऐसे बाप खड़े करे जो बाप मोहल्ले बदलने वाले अल्लाह के बदलने वाले हों शहर बदलने वाले हों और बाप अपने साथ दूसरे बाप को भी खुदा के पास ले कर आने वाला हो और इस तरह हम मसीह यसू के ऐसे गवाह बने पाकिस्तान और दुनिया में जिस तरह वो चाहता है खुदामंद आप सबको बरकत दे गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस पी एम आई टेलीविजन